9 एंड आई एम सुपर लेट, मेरे को एयरपोर्ट जाना था 9:30 बजे, मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना था। अभी निकला हूं मैं यहां से, पता नहीं 1 घंटा लगेगा कि 1.5 घंटा, मुझे नहीं आइडिया नहीं। मेरे को कश्मीरी गेट पहुंच गया। सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आप देख रहे हैं जो भी आप देख रहे हैं। भाई आज बहुत लंबा दिन होने वाला है, मुझे जाना ऑफिस, क्योंकि पापा गाँव गए हैं और भाई रात को काम करता था, वो सोता नहीं है, दिन में सोता वो, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे 10:30 बजे निकलना था, लेकिन ये इमरजेंसी हो गया, मेरे को एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है। टाइम पे पहुंच जाऊँगा मेरे हिसाब से, तो मेरे को 40 मिनट और लगेंगे, तो वही 10 बजे पहुंच जाऊँगा। सही है, ठीक है। और अभी देख रहे हो मैं अपने बैग की ना जेड प्लस सिक्योरिटी करके चलूँगी, क्या तुम्हारे भाई जेब में कैश है बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब, ये बहुत खतरनाक काम है, ये वाली लाइन नीचे येलो लाइन, जब कश्मीरी गेट से येलो लाइन पे जाते हैं। अभी जो भी है ऑफिस जाने का टाइम है, सब लोग जा रहे होते हैं चांदनी चौक, चौड़ी बाजार वाला, राजीव चौक। ओ भाई साहब, इसमें लगती कैडी भीड़, तो द स्ट्रगल इज रियल। तो मुझे अभी न्यू दिल्ली जाना है भाई साहब। यहाँ पे एक बार को तो मैं चूंद गया, मतलब मुझे समझ नहीं आएगी कि किस तरफ जाऊँ, एयरपोर्ट वाली लाइन की तरफ पड़ेगी। फिर अभी देखिए मैं न्यू दिल्ली पहुँच गया हूँ, अभी एग्जिट करना है यहाँ से। सफाई मेट्रो की बहुत ही कैड है, तो सब सीन देखो क्या सही है। ये वाली मेट्रो बहुत सही है, लेकिन ये वाली नॉर्मली चला भी नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारे देश की जनता इसकी कंडीशन की मालूम कर दी बढ़िया तरीके से, जिसे फ्लाइट में होता है बिजनेस क्लास इकोनॉमी ऐसा। तो क्या ये बिजनेस क्लास मेट्रो है कह सकते हैं, बिजनेस क्लास मेट्रो ये वो वाली इकोनॉमी है नॉर्मली चलती है, क्योंकि इसकी कंडीशन ही देख लो यार बहुत सही है। सामने यहाँ पे ये लग रहा है, इसमें पता लगता रहा है कहाँ पहुँच गई। वैसे मैं ज़्यादा इसमें ट्रैवल किया नहीं, तीसरी चौथी बार ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें, सही लगती है वाली मेट्रो। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी पता नहीं क्यों, यहाँ थोड़ा ठीक है ठंडा ठंडा, नाउ इट्स बेटर। मैं यहाँ के बैठा हूँ दूसरी जगह, थोड़ा सा सही लग रहा है। फ़ोन में बनाता हूँ मैं वीडियो फ़ोन में। और सबसे गंदी बात तो ये है, यहाँ पे ये अंडरग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे सिग्नल ही नहीं पकड़ रहा फ़ोन में, वो ई लिखा हुआ आ रहा है, तो नेट तो चल ही नहीं रहा, तो मैं बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। गाने क्या है कि मैंने जब से, मतलब मेरा फ़ोन नया आया ना, तब से मैंने डाउनलोड ही नहीं करे, गिनती के 40-50 गाने, और मैं सुन सुन के बोर हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसा बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मैं वापस से वही सुनूँगा, कानों में सूँ सूँ सुनाई दे रही है। और ना मेरे को कॉल करनी है, लेकिन सिग्नल नहीं है फ़ोन में, ज़ीरो एकदम, बिल्कुल ज़ीरो, एक भी खुंटी नहीं आ रही, तो पता नहीं कैसे करूँगा। तो जब तक अपने हवा में बाहर नहीं आते, तब तक बैठे रहो, देखते रहो, साइड में अंधेरा दिख रहा दोनों साइड, उधर भी इधर भी कुछ देख दिख नहीं रहा, बैठे रहो बस ऐसे करके। और भाई साहब सामने एक आदमी सो रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ सो सकूँ, पता नहीं बैठे बैठे कैसे नींद आती है दोनों। लेकिन हाँ यार, बहुत ज़्यादा थके रहते हैं तो आ जाते हूँ, पता नहीं इसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। और मेरे पास स्नैप आई है अभी अभी, कैसे आई पता नहीं, मेरे फ़ोन में तो सिग्नल ही नहीं है। ओ अंधेरे से सीधा रोशनी, वाटर लाइट हो क्या सही है, ऐसा ऐसा पूरे दिल्ली बढ़िया से हो जाना, जगह जगह ऐसे ऐसे पेड़ लगा दें ऐसे ऐसे, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, अपने पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये जगह है, इसको भी काट के पता नहीं कुछ कर देंगे यार, गलत है ये। यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगा, फिर यहाँ से कश्मीरी गेट, फिर कश्मीरी गेट से वापस चावड़ी बाजार, वहाँ पे ऑफिस जाऊँगा, फिर वहाँ पे कुछ जाकर खाऊँगा, तो मुझे लगभग 12 बज जाएंगे, और अभी मेरे को अभी 10 बजे हैं, तो मेरे को 2 घंटे और भूखा रहना पड़ेगा, और मेरे को बहुत ज़्यादा कैडी भूख लग रही है। मैंने सिर्फ चाय पी है सुबह से, या मुझे चाय मिल जाए एक और तो भी सही है, क्योंकि चाय बहुत, चाय सब कुछ चेंज कर सकती है, चाय आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, एक चाय। यार अब मैं सोचता हूँ कि ना ऐसे जब बाहर जाऊँ तो नेटफ्लिक्स या फिर किसी में भी ना थोड़ा कुछ ऑफलाइन डाउनलोड करके ले आऊँ, ताकि ये जो ट्रैवलिंग वाला टाइम है वो थोड़ा आसानी से कट जाए। अभी मेरा पॉकेट हो गया था, मेट्रो कार्ड था मैंने, मेरे हिसाब से मैंने पॉकेट में डाला था, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर मैं सोच बैग में देख रहा, भाई बैग में भी नहीं मिल रहा, मैं यार गिर गया। और इसमें अभी अभी पापा ने 500 रुपये का रिचार्ज किया था, तो मेरी अभी लगी पड़ी थी, मैं यार अब क्या करूँ, क्या बोलो पापा को, वो बाहर कैसे निकलूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ Terminal 3 की तरफ, जिनको लेने जाना है मेरे को वो भी पहुँच चुके हैं, पिक कर लिया उनको, अभी जा रहा हूँ और मेट्रो में वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से कश्मीरी गेट नहीं, यहाँ से नई दिल्ली, फिर वहाँ से कश्मीरी गेट। यहाँ पे यार ये चक्कर है, अलग अलग एग्जिट करना पड़ता है, वो गलत लगता है, डायरेक्ट एक ही होना चाहिए। एक बार लगाया अभी नई दिल्ली पे, नई दिल्ली तक का लो, वहाँ पे एग्जिट करो, फिर वापस एंट्री करो, ये तो चक्कर है। और चेकिंग भी दो बार, लेकिन सही है सिक्योरिटी। फिर भी मैं आ रहा था उस टाइम तो पूरी खाली पड़ गई थोड़ी सी भीड़। टू स्टेशन
अभी न्यू दिल्ली पहुंच गया हूं, तो अभी यार मतलब अभी पूरी वो खाली खाली पड़ी थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एक मिनट मेरे को छोड़नी पड़ गई। बंदी गर्मी आ रही थी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, और अभी एसी बस मिल गई तो वो है 12 बजे की, अभी 15-20 मिनट है तो 12 बजे वो स्टैंड पे लगेगी, तो वेट कर रहे हैं अभी 15 मिनट है, 15 मिनट बाद में मैं चले जाऊँगा उनको बस में वगैरह बैठा दूँगा, फिर अपना जाऊँगा ऑफिस। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, अभी सफोकेशन टाइप हो रहा है, खुला है लेकिन फिर भी बैंड बज गई भाई साहब गर्मी में। अभी मैं जा रहा हूँ, पापा का फ़ोन आ गया मेरे पास, भाई काम आया हुआ है तू जल्दी पहुँच, अगर तुमने बस पकड़ा दी तो फटाफट साय पाए पहुँच जा, क्योंकि काम आया हुआ है बिल्स भेजने मुझे, कह के अपने एंटरप्रेन्योर वाली फील लेंगे पहुँच के, एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेस मैन जो भी है अपन तो है ही। अभी जहाँ पे ब्लाइंड मनी प्रिंट करते हैं ना उधर जा रहा हूँ मैं, तो जब मैं 2 दिन पहले ऑफिस गया था तो मेरे को पापा ने सिखाया था कि बिल्स वगैरह कैसे बनाते हैं या फिर कुछ भी भेजना होता कैसे भेजते हैं। अभी मुझे ना सच में मतलब याद ही नहीं है ढंग से कि कैसे करना है, अभी जाके देखूँ तब पता लगेगा। अभी मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी है, लग गए भाई लग गए, और अभी मुझे 4 फ्लोर चढ़ना है वो भी सीढ़ियों से। स्मोकिंग किल्स ब्रो, दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। अभी अंकल धुआं उड़ाते जा रहे हैं। रात की सांस आई भाई साहब, नज़ारे आए नज़ारे, तो अभी थोड़ी यहाँ पे साफ सफाई आएगी, हम थोड़ा भगवान को याद कर लेंगे, उसके बाद में काम लगेंगे। तो मेरे को बाहर से कुछ खाने को मंगाना था लेकिन उससे पहले चाय आ गई, तो अब क्या है चाय देख के अपन अपने आप को रजिस्ट नहीं कर सकता, तो पहले चाय पीऊँगा, आधा घंटा लगे उसको लाने आने में कुछ, तो तब तक जब तक आए तब तक अपने चाय पी लेते हैं। बड़ी सही चाय है, इसमें आप देखो इसमें कॉफ़ी भी पी सकते हैं और ये गर्म भी है हॉट, और इसमें चाय भी पी सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाला कप है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। वाह, जो पुरानी दिल्ली आते हैं तो पुरानी दिल्ली छोले भटूरे वगैरह और ये सब बहुत सही सही मिलते हैं यार, तो यहाँ से यहाँ पर मतलब जब भी आता ना मैं यहाँ ऑफिस आता तो छोले भटूरे जरूर खाते हैं, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि यार ऑयली हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा यार एक दिन ऑयली चलता है, तो मैंने छोले भटूरे मंगा लिए और साथ में मैंने मंगाई पाव भाजी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही मन करता पाव भाजी खाने का। केबल यार मतलब आईफोन वाली है, तो ये एक केबल पता नहीं भाई ने कहाँ खो दी, आई डोंट नो, उसके मतलब उसके पास थी मैंने, तो उसके अंदर यार मैंने ये स्प्रिंग लगाया हुआ था ऐसे यहाँ पे ताकि ख़राब ना हो, यहाँ से टूट जाती ना, तो मैंने स्प्रिंग लगाया हुआ था, पता नहीं वो उसने कहाँ खो दी आई डोंट नो, तो अभी मेरे को आज नई केबल निकाल कर आनी पड़ी, मुझे बहुत दुख हुआ बेहद दुख हुआ कि मैंने सोचा था 2 केबल थी, अब जब दोनों ख़राब होएंगी या फिर एक ख़राब हुई तब दूसरी एक और नहीं निकालूंगा, और ये आती है बहुत कॉस्टली यार, 1500 रुपये की सिर्फ केबल आती है बताओ, तो ये अभी मैंने एक और नहीं निकाली है, तो इसमें ये स्प्रिंग लगा रहा हूँ ताकि टूटे नहीं, क्योंकि यार इतनी महंगी महंगी केबल लेने में लग जाती है कसम से, और ख़ुद की जेब से ले तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी मैं सोचा 2 मिल जाते तो सही होता, अभी मेरे को एक ही मिला है और ढूंढूंगा मैं, एक इस तरफ लगाऊंगा एक इस तरफ लगाऊंगा ताकि ये सुरक्षित रहे सतर्क रहे। पता नहीं यार इतनी बेकार क्वालिटी केबल कैसे बनाए, पैसे इतने लेते हैं लेकिन इतनी मज़ेदार नहीं होती केबल, कुछ मज़ा नहीं आता, लेकिन प्यार ही लगा यार जो भी कहो, अब पैसे भरे तो थोड़ी तारीफ तो करनी पड़ेगी। छोले भटूरे और अपनी पाव भाजी आ गई, अभी खाऊंगा मैं पाव भाजी, तो कुछ मुझे कुछ खास पसंद नहीं, कुछ मज़ा नहीं आया पाव भाजी में, लेकिन छोले भटूरे बहुत सही थे, और अब मुझे नींद चढ़ रही है सर में, क्योंकि भाई मैं सुबह से धमाका दौड़ी भी लगा पड़ो। इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है, हैंडल इज हेयर, गो एंड विजिट माई इंस्टाग्राम, एंड अगर आपका मन करे तो फॉलो भी कर लेना। तो अभी क्या है कि कुछ है नहीं करने को, और मुझे सडनली पता लगा कि इंडिया का मैच है, मुझे पता नहीं था, तो अपने ने हॉटस्टार चला लिया इसमें, तो देख रहे हैं भाई 5.2 मिलियन बंदे देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा 5.2 मिलियन। नबी बॉलिंग कर रहा है, 2 ओवर में 7 रन देके KL राहुल आउट करते हैं, एक और दूसरे ने रोहित को आउट कर दिया। तो क्या ये थिनर है? ये थिनर है, अच्छा ये थिनर है, ये इसमें जो भी है पता नहीं है, चल रहा है काम, और ऐसा कुछ सामान रहता है, ये हमारे बॉक्सेस, दिस इज आवर ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड, तो ये है, ऐसे बहुत सारे डब्बे पड़े हैं, तो यहाँ पे काम होता है, एंड उस साइड हमारे गोडाउन से जिनमें सामान रहता है, तो
वहाँ से निकाल के लाते हैं, यहाँ पे सब पैकिंग वगैरह होती है तो सब सही है। और ये ऑफिस है, यहाँ पे बैठ के काम, यहाँ पे बैठ के जो भी होता है सब होता है। और भाई फोर ए बढ़िया बात, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? सही है, जैसा ऐड वाले बताते हैं सही है। अपन अपने हमने इसमें कार्य में सक्सेस मिल गई है, तो ये जो आप देख सकते हैं मैंने स्प्रिंग डाल दी इसमें, तो ये अब ऐसे यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, तो ज़्यादा मुड़ेगा नहीं, तो ये जो यहाँ से टूट जाती है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, तो सही है। और हार्दिक, मेरे को यार हार्दिक पांडे की पारी देख रही है, बहुत कैड़ा खेलता है, मुझे पसंद नहीं है हार्दिक, मतलब आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन, लेकिन आई लाइक हिम एज अ क्रिकेटर, सॉलिड खेलता है, ये लंबे लंबे छक्के मारता है, कैड़ा, बहुत कैड़ा। आज मैं करके आया, मैं भी करके आया आज। इसी के साथ इंडिया की पारी हो गई समाप्त, बहुत गंदी हालत बना दिया तो इंडिया की, इन्हें तो बम रेसिंग बना दी सबकी। 10 मिलियन लोग देख रहे हो भाई साहब, 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है, 1 करोड़। उधर थिनर है तो उसकी जो स्मेल है सर में चढ़ी, उससे सर दर्द है, मैं तो मतलब हैंकी पकड़ के तो बैठ नहीं सकता, मैं तो ऐसे करके बैठा। क्या सॉलिड विकेट लिया यार मोहम्मद शमी, मजा आया। आकाश चोपड़े कमेंट्री के साथ में क्रिकेट देखने का मजा ही कुछ है। अरे तू बताया नहीं तूने, हाँ तू इधर आ, तेरा नाम क्या है? बता अपना नाम बता। मेरा नाम सूरज। और इसका नाम क्या है? सुलेंदर। क्या नाम है? सुलेंदर। अरे सुलेंदर बोल रहा है सुरेंदर को। सुरेंदर। ये जो बंदा है इसकी, ये देख के आपको क्या लगता है कि इसकी एज कितनी होगी? बता रहा जा रहा, ये इसकी एज कितनी होगी? ये लगता है ना, ऐसे लगता है ना चाइल्ड लेबर है ये, लेकिन तेरे कितने बच्चे हो गए? ये शादीशुदा लौंडा है ये, तो निकल गया हूँ भाई, और 8 बजने वाले हैं। स्नैपचैट पे ऐड कर लेना जिसने मेरे को नहीं किया, स्नैपचैट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं एक्सट्रीमली एक्टिव रहता हूँ स्नैपचैट पे। तो यही स्टेशन पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो भाई साहब मेट्रो में तो अंधी होगी क्योंकि राजीव चौक से आएगी वाली मेट्रो, मतलब वेटिंग सब जगह करनी पड़ रही थी, अब सीढ़ी चढ़ने के लिए भी वेटिंग, बहुत कैड़ा सीन है। चलो भीड़ तो ठीक है, ऊपर से बैग इतना भारी हो रहा है ना, मतलब आई कांट इवन टेल यू। जस्ट 2 स्टेशन अवे फ्रॉम माई डेस्टिनेशन, उनको जल्दी से घर पहुँचना है, आई मीन बहुत ही ज़्यादा हरी, मुझे 12 घंटे हो गए घर से बाहर, ऐसे होगा भाई बिल्कुल। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यार, जब वीडियो में लाइक नहीं आते तो बड़ा अजीब सा लगता है कि पता नहीं कैसी बनी है, तो लाइक या डिसलाइक करके बता दिया करो भाई पसंद आ रही नहीं आ रही। सो एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगी हो, कुछ मज़ा नहीं आया तो आप पुरानी जाके वीडियो देखो यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है, तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि हम रॉ व्लॉग्स बनाते हैं बिल्कुल, तो ज़रूर देखना आप अगर नए हो तो। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ है उसमें, एंड या यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।